हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं फूल गोभी से कोई नई सब्ज़ी। जब गोभी के सब्ज़ी खा करके मन भर गया हो तो ऐसे सब्ज़ी हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कद्दूकस कर ली हूँ गोभी को, इसे अच्छे से धो करके, और दोनों में एक इतना ली हूँ, जैसे गोभी भी एक कटोरी, बेसन भी एक कटोरी, दोनों एक ही नाप से है। मैंने फूल गोभी के काट करके गर्म पानी और नमक में डाल करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कद्दूकस किया था। अब यहाँ पर मैं एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, एक चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार ले। और यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्च ले रही हूँ, जिसे मैं छोटे टुकड़े में काट चुकी हूँ। यहाँ हरा धनिया भी डाल लेती हूँ, एक चम्मच नींबू का रस भी इसमें डाल देती हूँ। आप अगर डालना है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पतला हमें घोल नहीं बनाना है, बिल्कुल हमारे घोल ये गाढ़े ही रहेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये हो चुका है। अब हम एक प्लेट ले करके इसमें तेल लगा लेंगे। आप कोई भी तेल इसमें लगा सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम चारों तरफ तेल फैला लेंगे और इसमें अपने घोल को डाल देंगे। इसे अच्छे से हम डाल करके ऐसे प्लेट को हम हिला लेंगे। और यहाँ पर मैं आधी लीटर इसमें कढ़ाई में पानी डाली हूँ, वो उबल रहा है, उसमें मैं अपने प्लेट को रख दूँगी इसे। और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके हम तेज गैस पे छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैं मसाले ले रही हूँ, लहसुन है, अदरक और 2 टमाटर है। इसे हम पेस्ट बना लेंगे, जार में डाल के इसे हम पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से अपने मसाले को हम पेस्ट बना लेते हैं। चलिए अब 5 मिनट हो चुका है, हम इसे देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल चाकू पर नहीं लगा है, ये अब हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से निकाल लेते हैं, आराम से निकालें, प्लेट भी गर्म होता है। चलिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। और इसमें तड़के के लिए मैं 1 चम्मच जीरा ली हूँ और 2 लाल मिर्ची ली हूँ। इसे हम तड़के के लिए डाल देंगे, जब ये चटक जाए तो हम मैं यहाँ पर एक बड़ा साइज प्याज ली हूँ, जिसे छोटे टुकड़े में काट चुकी हूँ। देखिए ये अब इसे हम इसमें डाल देंगे, इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब गोल्डन कलर हो जाए तो हम इसमें अपना मसाले डाल देंगे। यहाँ पर गैस कम कर चुकी हूँ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसे चला करके जो मैंने पेस्ट बनाए थे मसाले को, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार डालें। हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, भुना हुआ जीरा पाउडर है, वो मैं ले रही हूँ इसमें। इसे अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे मसाले को। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है, बना करके खा करके देखें ऐसी सब्ज़ी। और चलिए मसाले को भुनाई होने देते हैं, अपने जो बना करके रखे हैं उसको देख लेते हैं वो ठंडा हुआ कि नहीं। देखिए ठंडा हो चुका है, हम चाकू के नोक से ऐसे हिला करके तब हम इसे पलटेंगे। इसे एक प्लेट लेकर के हमें प्लेट के ऊपर इसे हमें पलट देना है, थोड़ा थपकी दे करके इसे पलट लें। देखिए कितना अच्छे से निकल चुका है ये। इसे हम अब काट लेते हैं, जिस तरह आपको काटना हो वैसे काट सकते हैं। हम चकोर पीस में काटेंगे। इसे आप नाश्ते में भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी फ्राई करके इसे, लेकिन हम यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं। देखिए मसाले भी भून चुके हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से तरी को डालें, पानी डालें। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से डाल रही हूँ, जब इसमें उबाल आ जाए तो हम अपने सब्जी को इसमें हम डाल देंगे। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीजर में, जब मन करे तब सब्जी बना करके खा सकते हैं, आई नाश्ते में बना करके खा सकते हैं। इसमें अब उबाल आ चुका है, हम अपने सब्जी को इसमें डाल देंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाए तो हम थोड़ी गैस को धीमी कर देंगे, उस पर 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से उबाल आने देंगे। आ यहाँ पर हम कस्तूरी मेथी भी थोड़ा हाथ के हथेली पर रगड़ करके डाल देंगे। देखिए सब्जी भी हो चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं।
देखिए कितना बढ़िया सब्ज़ी बना है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।